वो डायरेक्टली फिलहाल देखिए जो स्लैमी ने वो देखने को मिलेगा, और आप तो जोनाथन भी बिल्कुल तैयार है इस फाइट के लिए। बिल्कुल देखिए उनके हाथ में वो ग्रेनेड आपको देखने मिलेगा, उनके ग्रेनेड्स बिल्कुल भी अपना रास्ता नहीं भटकते, सीधा निशाने पे जाते, लेकिन फिलहाल क्या ट्रेस गॉड उनको डाउन कर पाएंगे यहाँ पे? जोनाथन डीबीएस लेके आगे जाने का प्रयास, ट्रेस गॉड को यहाँ पे डाउन किया जाएगा। अब बारी है यहाँ पे दूसरे प्लेयर्स की। देखिए जोनाथन अकेले वो खिलाड़ी है अभी जो दो कंफर्मेशन निकाल चुके। मीनवाइल विजार्ड की बात करें वो अपने घुटनों पे रहेंगे, उनके टीम से क्लच वो आखिरी खिलाड़ी आपको देखने मिल सकते हैं। डीबीएस को रिलोड किया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको देखने मिलेगी वो हेल्थ उनकी जो काफी लो रहेगी, और यहाँ पे जोनाथन ने उनको फिनिश कर दिया। काफी बेहतरीन मुकाबला रहा यहाँ पे, मानते हैं एक खिलाड़ी को यहाँ पे उसको रिवाइवल की आवश्यकता रहेगी। और लीजिए जिसकी हमने बात की थी, एक और टीम आती दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पे जोनाथन व्हीकल घुमाते हुए खिलाड़ियों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। वहां पे टीम रेवेनेंट की पुंकू थे, उनको वहां पे पकड़ा गया, उनको डाउन किया जाएगा। हेक्टर्स की बात करें तो ज़ेरिप की तरफ से वो भी डाउन होते दिखाई देंगे। पांच बेहतरीन कंफर्मेशन टीम गॉडलाइक के खाते में। अब देखिए स्टेज टू के पहले जुड़ चुके हैं, अभी हमें काउंट करना पड़ेगा कितने कंफर्मेशन और ये टीम निकालती है। देखिए चार फिनिशर्स तो ऑलरेडी यहाँ पर जो है जोनाथन ने अकेले निकाल कर बैठे हैं। जैप भी एक खिलाड़ी को वहां पे डाउन किया। बारी है टीम गॉडलाइक की। जोनाथन काफी दूर से काफी तेजी से ये फाइट को देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब वहां पे जाकर फिनिश करना जरूरी रहेगा। दो खिलाड़ी डाउन रहेंगे, और ये देखिए ये जंप शॉट काफी प्यारा था, डीबीएस उनके हाथों में थी, कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा था। अब देखिए वो अकेले खिलाड़ी है जो पांच कंफर्मेशन निकाल चुके हैं। जैप डाउन हो चुके थे, जी गॉड भी डाउन हो चुके थे, और वही थे अपनी टीम की आखिरी उम्मीद। देखिए इसी जोनाथन को हम लोग यहाँ पर जो है जानते हैं, लेकिन ये फाइट सर्कल के बाहर चलेगी। और देखिए मात्र अगर सर्कल अगर आप देखिए तो वो ऐसा लग रहा है कि 60-40 के रेशियो में ना वाटर बॉडीज को भी फेवर करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। जोनाथन चलिए उन्होंने स्पॉट आउट करा जरूर, लेकिन इस बार वाइपर वो जोनाथन को डाउन करेंगे। ज़ीगॉड ऊपर से वो सप्रेस करने के लिए कि वाइपर उस जोनाथन का जो फिनिश है ना वो कंफर्म कर सके, इस वजह से वो जो प्रेशर है ना वो मेंटेन रखना चाहते हैं। और ज़ीगॉड को अगर एक बार भनक लग गई कि तैराकी लगाई जा रही है, वो स्विमिंग करी जा रही है, तो ये प्लेयर ना छोड़ेगा नहीं मौके यहाँ पर जो है। बट चलिए बात करी जाएगी, हंटर्स बैक एंड साइड से आएंगे, टीम गॉड लाइक एक एक करके चीजें जो है लगातार उनके विपरीत जाती नजर आ रही है। जैप केवल एकमात्र इकलौता प्लेयर, और शायद अब यहां से जीवित रह पाना ज्यादा देर तक नामुमकिन।